ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 16वीं लोकसभा को भंग किए जाने की सिफारिश करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति वर्तमान लोकसभा को भंग करने की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा। बिलासपुर के पंचायत कार्यालय में आग लगने से 4 कर्मचारी झुलसे। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में आग से लाखों रूपये का सामान जलकर राख। और बिलासपुर में पारा 46 डिग्री से पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर लू चलने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। 16वीं लोकसभा को भंग किए जाने की सिफारिश करने के लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। चुनाव नतीजों के अनुसार एनडीए सरकार की वापसी तय है। मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान लोकसभा को भंग करने की घोषणा करेंगे। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए उसके पहले 17वीं लोकसभा का गठन जरूरी है। नए सदन के गठन की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद शुरू होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कैबिनेट स्तर के साथ साथ राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने कल नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बैठक में भाग लेने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीतकर 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस पिछले चुनाव के अपने प्रदर्शन को अधिक बेहतर नहीं कर पाई। पिछली बार की 44 सीट के मुकाबले इस बार उसे 52 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें भी नहीं मिल पाई हैं। यूपीए ने 90 सीटें जीती है। डीएमके 23 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर है। तृणमूल कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को 22-22 सीटें मिली है। शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा किया और जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस बार के चुनाव में वाम दलों की स्थिति खराब रही। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 3 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केवल 2 सीटें मिल पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजग के सहयोगी दलों को पिछली बार की 336 सीटों के मुकाबले 350 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर कहा कि एक बार फिर भारत की जीत हुई है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए में लोगों के विश्वास से उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में और अधिक ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद आज नई दिल्ली में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके निवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पार्टी की सफलता के पीछे लालकृष्ण आडवाणी जैसे महान नेताओं के दशकों का कठिन परिश्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की उत्कृष्ट विद्वत्ता और बौद्धिकता ने भारत में शिक्षा स्तर में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी आम चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट से हमें लाइक करने के लिए सर्च करें छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआर और रोज पढ़ें प्रादेशिक समाचार फेसबुक पर भी। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
छत्तीसगढ़ के 11 संसदीय क्षेत्रों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस केवल 2 सीट बस्तर और कोरबा हासिल कर पाई। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को केवल दुर्ग संसदीय सीट मिली थी, लेकिन इस बार इस सीट से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। दुर्ग में भाजपा के विजय बघेल ने कांग्रेस की प्रतिमा चंद्राकर को सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,91,978 वोटों के अंतर से पराजित किया है। इसके बाद सर्वाधिक वोटों का अंतर रायपुर का रहा, जहां भाजपा के सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को 3,48,000 से अधिक मतों से पराजित किया। वहीं सरगुजा में भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने कांग्रेस के खेल साय सिंह को 1,57,000 और बिलासपुर से भाजपा के अरुण साव ने कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव को 1,41,000 से अधिक मतों से पराजित किया। साथ ही राजनांदगांव सीट से भाजपा के संतोष पांडे और कांग्रेस के भोलाराम साहू के बीच जीत का अंतर 1,11,000 से अधिक रहा। महासमुंद सीट पर भाजपा के चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस के धनेन्द्र साहू को 90,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की गोमती साय ने कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया को 66,000 से अधिक वोटों के अंतर से पराजित किया। जांजगीर चांपा से भाजपा के गुहाराम अजगले ने कांग्रेस प्रत्याशी रवि परसराम भारद्वाज को 83,000 से अधिक मतों से हराया। कांग्रेस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यहां से भाजपा के मोहन मंडावी ने कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को सबसे कम अंतर 6,000 से अधिक मतों से हराया। इस बार कांग्रेस के खाते में बस्तर सीट भी आई है, जहां से पार्टी ने चित्रकोट विधायक दीपक बैज को टिकट दी थी। श्री बैज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी बैजूराम कश्यप को लगभग 39,000 मतों से शिकस्त दी। वहीं कोरबा में काफी उतार चढ़ाव के बाद कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को पराजित करते हुए 26,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव अभियान के महानायक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सातवीं बार कार्यकर्ताओं की मेहनत से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार को नकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय अराजकता का माहौल है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे इस जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रवाद के नाम पर यह चुनाव जीता है। बिलासपुर जिला पंचायत कार्यालय में आज सुबह आग लगने से 4 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे में आग को नियंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि कार्यालय खुलने के वक्त अचानक कार्यालय के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठती दिखाई दी। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से कार्यालय में रखे कई दस्तावेज भी खाक हो गए। जिस समय आग लगी उस दौरान वहां कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। घटना की सूचना मिलने पर विधायक, महापौर और जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस बीच दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र में भी आज सुबह भीषण आग लगने से लाखों रूपये का सामान जलकर राख हो गया। संयंत्र के कोल केमिकल प्लांट में लगी इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की खबर लगते ही 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। दुर्ग भिलाई के अलावा रायपुर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग पर नियंत्रण पाने के लिए बुलाया गया था। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। खबर मिलते ही संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग जिस समय लगी उस वक्त वहां काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए। कोल केमिकल प्लांट में डामर सहित अन्य प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीएसपी में आज लगी आग को नियंत्रित करने के लिए हर संभव सहायता देने के निर्देश दुर्ग जिले के कलेक्टर को दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इस समय मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिलासपुर में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पार किया गया है, वहीं राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर में लू जैसे हालात बन गए हैं। राजनांदगांव में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तो वहीं रायपुर और दुर्ग में 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वीं लोकसभा को भंग किए जाने की सिफारिश करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति वर्तमान लोकसभा को भंग करने की घोषणा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा और समृद्ध बनेगा। बिलासपुर के पंचायत कार्यालय में आग लगने से 4 कर्मचारी झुलसे, वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में आग लगने से लाखों रूपये का सामान जलकर खाक। और बिलासपुर में पारा 46 डिग्री से पार, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर लू चलने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।